दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के डेली क्लास सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं NDA के प्रीवियस ईयर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारी डेली क्लास की सेकंड क्लास है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका कि पहला क्वेश्चन ये है, इफ द पॉइंट्स एक्स वाई माइनस थ्री टू जीरो माइनस वन एंड फोर टू थ्री लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई रिस्पेक्टिवली आर। और उसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये एक 3D का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन 3D के केस में कैसे फाइंड करते हैं, ये अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। उसके लिए फॉर्मूला है, अगर दो पॉइंट हमें दिए गए हों x1 y1 और z1 और x2 y2 z2, अगर हमें दो पॉइंट दे दिए गए हैं तो लाइन की इक्वेशन होगी x-x1 / x2 - x1, फिर y2 - y1 / y2 - y1, फिर z-z1 / z2 - z1। ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का तरीका है, अगर हमें दो पॉइंट दे दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दो पॉइंट से, ये जो दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, इनसे लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। और ये पॉइंट भी लाइन जो है इस पॉइंट से भी पास कर रही है, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x-2 वो वाला पॉइंट डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू y-y1 यानी y-0 बाय यहां पे हो जाएगा y2 - y1 यानी कि 2 - 0 आ जाएगा 2, फिर z-z1 यानी कि हमारे पास आ जाएगा z+1 और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे z2 - z1 यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये चीज हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये पॉइंट इस पॉइंट से भी लाइन पास कर रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स वाई जेड की जगह हम रख देंगे एक्स वाई और -3। तो यहाँ पे तो एक्स ही रखना है, तो ये रह जाएगा x-2/2 इक्वल टू, यहाँ हो गया y/2, जेड की जगह रखेंगे कितना -3, तो -3 अगर यहाँ रखेंगे -3 + 1 यानी -2/4 यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -1/2। अब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यानी हो जाएगा x-2/2 इक्वल टू -1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 1। फिर अब इस चीज़ को इसके इक्वल रखेंगे तो y/2 इक्वल टू -1/2, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो हमें x मिल गया, y मिल गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है व्हाट इज cot a/2 - tan a/2 की वैल्यू बतानी है। इसके लिए चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए ऑप्शन है हमारा tan a, बी ऑप्शन है हमारा cot a, फिर सी ऑप्शन है 2 tan a और डी ऑप्शन है हमारा 2 cot a। तो ये हमें इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, और इसकी हमें वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले cot a by 2 दिया गया हमें, तो cot a by 2 को हम लिख सकते हैं cos a/2 / sin a/2 माइनस tan a/2 को लिख सकते हैं sin a/2 डिवाइडेड बाय cos a/2 लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे sin a/2 और cos a/2 यानी कि sin a/2 cos a/2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास cos² a/2 माइनस यहाँ बन जाएगा sin² a/2। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देखने हैं, तो फॉर्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। अगर कहीं पे दिया गया है cos² a - sin² a, तो ये हो जाएगा cos 2a,
और उसके बाद कहीं पे अगर दिया गया है 2 साइन ए कोस ए, ये हो जाएगा साइन 2 ए। मतलब इफेक्टिवली क्या हो जाता है, यहाँ पे एंगल डबल हो जाता है, यहाँ पे एंगल ए ए था तो यहाँ 2 ए हो गया, यहाँ भी एंगल ए ए था तो यहाँ एंगल कितना हो गया 2 ए हो गया। तो यही बात यहाँ भी करनी है, यहाँ पे एंगल a बाय टू है तो यहाँ, और एक काम करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, 2 ये cos स्क्वायर a बाय टू माइनस साइन स्क्वायर a बाय टू, तो एंगल डबल हो जाएगा यानी कि 2 cos a आ जाएगा। फिर 2 sin a cos a तो sin 2 a, मतलब एंगल डबल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा sin a आ जाएगा। अब cos बाय साइन हमें मिल जाएगा cot a, यानी कि 2 cot a हमसे पूछा था, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, कोस 80 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछी है कि कितनी होगी। तो वैल्यू अगर हमें बतानी है तो ए हमें ऑप्शन दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है हमें 1, सी ऑप्शन हमें दिया है 0 और डी ऑप्शन हमें दिया है कितना माइनस का 19। तो इसकी हमसे वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला है कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी हमारे पास कितना होगा, तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। तो यही चीज इसमें भी लगानी है, तो कोस सी प्लस कोस डी अगर यहाँ पे लगाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कोस सी प्लस डी बाय 2, यानी कि हो जाएगा 80 प्लस 40 120 बाय 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर कोस सी माइनस कोस डी बाय 2, कोस सी माइनस डी बाय 2 कितना हो जाएगा 80 माइनस 40 बाय 2, यानी कि कितना आ जाएगा कोस 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री। अब कोस 60 की वैल्यू हमें पता है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1 बाय 2 और यहाँ पे है कोस 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा कोस 20 से कोस 20 कैंसिल, यानी कि फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएगा सी, यानी कि 0 आंसर हमें इसका मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है, अ बैग कंटेन्स 20 बुक्स, ए बैग कंटेन्स 20 बुक्स आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव, यानी कि एक बैग है, बैग में बुक्स जो हैं वो 20 हैं और जिसमें से कि डिफेक्टिव बुक जो हैं वो 5 हैं। इफ 3 ऑफ द बुक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, थ्री बुक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, तीन बुक्स को सेलेक्ट किया है रैंडमली फ्रॉम द बैग इन सक्सेशन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 बुक्स आर डिफेक्टिव, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑल द 3 आर डिफेक्टिव, यानी ऑल आर डिफेक्टिव इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफेक्टिव बुक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जिसको कि हम पी लिख रहे हैं। तो पी लिख रहे हैं तो डिफेक्टिव हमारे पास 5 हैं और टोटल कितनी है 20, तो 5/20 यानी कि हमारे पास किसी बुक के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और ना डिफेक्टिव होने की तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितनी है क्यू, जिसको हम ले रहे हैं 3/4। अब हमें टोटल कितनी बुक हमने सेलेक्ट की हैं, हमने बुक सेलेक्ट की है 3, तो 3 बुक्स हमने सेलेक्ट की हैं। इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं पहले, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हमें अगर दिए गए हैं तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है 0.009, बी ऑप्शन दिया है हमें 0.0016, सी ऑप्शन दिया है हमें 0.026 और डी ऑप्शन दिया है हमें 0.047, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो
इसमें पूछा है कि ऑल आर डिफेक्टिव, यानी एक्स की वैल्यू एक तरह से कितनी हो गई, थ्री, कि तीनों की तीनों बुक डिफेक्टिव होनी चाहिए। तो हमें बाइनोमियल से एक फॉर्मूला पता है कि एन सी थ्री, अगर एन सी एक्स, एक्स बुक डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो यही चीज इसमें लगाएंगे, तो हो जाएगा थ्री सी थ्री और पी, पी यानी वन बाय फोर, वन बाय फोर की पावर कितनी आ जाएगी, थ्री, और क्यू यानी कि थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर की पावर आ जाएगी थ्री माइनस थ्री यानी कि जीरो। अब थ्री सी थ्री को सोल्व करेंगे, आ जाएगा वन, और यह आ जाएगा वन बाय सिक्सटी फोर, और यह आ जाएगा वन, यानी वन बाय सिक्सटी फोर। अब वन बाय सिक्सटी फोर को सोल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, एक इसमें से आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और उनका मीडियन बताया गया है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी है, 22, 24, 33, 37, x प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, 46, 47, 57, 58, इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सब किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, इन असेंडिंग ऑर्डर। और इनका मीडियन जो है, इन ऑब्जर्वेशंस का मीडियन जो दिया गया है इन असेंडिंग ऑर्डर ईच, यानी मीडियन ईच कितना दिया गया है, 42 दिया गया है। व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन की हमें वैल्यू बतानी है, और इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं चार, 42, 45, बी ऑप्शन दिया है हमें 41, 43, सी ऑप्शन दिया है हमें कितना 43, 46, और डी ऑप्शन हमें दिया है 40 और 40। ये चार ऑप्शन हमें इस क्वेश्चन के लिए दे गए हैं। तो सबसे पहले जब भी ऑब्जर्वेशन दी गई हो और उनका मीडियन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालने का क्या तरीका है, अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं, अगर तो कुछ नहीं करना होता है, हमें सीधी सी बात देखनी होती है कि n प्लस टू बाय वनथ टर्म, n बाय टू प्लस वनथ टर्म हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो, मतलब अगर ये टोटल नंबर ओड हैं तो। अब कैसे क्या, जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पास कितनी है टर्म्स, अगर हमारे पास टर्म्स मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास ओड हैं, ओड का मतलब है कि मान लेते हैं हमारे पास 11 टर्म है, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस वन बाय टू। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं 11 टर्म्स है तो n की वैल्यू 11 प्लस 1 बाय 2 यानी कितना आ जाएगा, 6 टर्म हमारी मीडियन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास टर्म्स इवन है, जैसा कि इस केस में है, इस केस में हमारे पास क्या है, टर्म्स इवन है। कैसे, जैसे देखें, अगर 22, 24, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, हमारे पास 10 टर्म्स हैं, हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम ये करते हैं कि जो n बाय 2th टर्म है, n बाय 2th इस केस में क्या हो जाएगा, n कितना है 10, 10 बाय 2 यानी कि फिफ्थ टर्म, और n बाय 2 प्लस 1th टर्म यानी कि n बाय 2 कितना हुआ, फिफ्थ प्लस 1 यानी कि 6th टर्म, इन दोनों का हम मीन ले लेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मीन ले लेंगे, वही इसका मीडियन होगा। तो यहाँ पे हमको किसका, एक तरह से देखा जाए तो पांचवीं और छठी टर्म का मीन लेना, ये पांचवी टर्म है, ये छठी टर्म है, यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बाय 2 का मीन लेना है, और वही हमारा मीडियन हो जाएगा, जो कि हमें कितना दिया गया है, 42। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2x प्लस 4 बाय 2 यानी 42। तो अब हमें यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 42,
यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40, x की वैल्यू आ जाएगी 40, और हमसे हमें निकालनी है इनकी वैल्यू, तो एक है x प्लस वन, एक है x प्लस थ्री, यानी एक हो जाएगा 41 और एक हो जाएगा 43, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर छः की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे क्या पूछा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स को। हाँ, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 3 V/km। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 3 V/km एंड ट्रेवल्स नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट 2 V/km। What is the average speed of the car? कार की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, और इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 2.5 V/km, बी ऑप्शन दिया गया हमें कितना 2.4 V/km, सी ऑप्शन दिया गया है 2.2 V/km, डी ऑप्शन दिया गया है 2.1 V/km। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि अ कार ट्रेवल्स, यानी एक कार है जो कि अपने पहले 60 किलोमीटर जो है वो इतनी स्पीड से, यानी 3 V की स्पीड से ट्रेवल करती है, और अगले 60 किलोमीटर जो है उसको 2 V/km की स्पीड से ट्रेवल करती है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? तो इसके लिए हमें एक सिंपल सी बात, जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ जाए, इसके लिए सिंपल सी बात हमें पता होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस यही चीज एक याद रखनी है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर हम देखें एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60 और 60, टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है बाय टोटल टाइम। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो 60 किलोमीटर कितनी स्पीड से ट्रेवल की, 3 V की स्पीड से, तो टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 60 बाय 3 V। 60 किलोमीटर जाने में 3 V की स्पीड से इतना टाइम लगा, फिर नेक्स्ट 60 किलोमीटर जाने में इतने स्पीड से कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 60 बाय 2 V, ये लगेगा 60 बाय 2 V। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से V तो कॉमन आ जाएगा, V ऊपर चला जाएगा और 60 भी कॉमन आ जाएगा, यानी यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 60, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 120, 60 हमने कॉमन ले लिया, V यहाँ पे LCM आके ऊपर चला गया, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 1/3 + 1/2। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2, और नीचे बच गया 1/3 + 1/2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, LCM ले लेते हैं, 6 LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 6/5, यानी कि ये आ जाएगा 12/5, यानी कि ये, और इंटू वी भी है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 point, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 20, यानी 4 और V, यानी 2.4 V, इसका हमारे पास B इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया गया है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, जो कि है dy³ / dx³
क्यूब प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी की पावर फोर वाई बाय डी एक्स की पावर फोर इक्वल टू जीरो। और डिग्री बतानी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिग्री क्या होगी, जिसके लिए हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए दिया गया है हमें कितना, वन। बी ऑप्शन दिया गया है टू। सी ऑप्शन दिया गया है थ्री। और डी ऑप्शन दिया गया है फोर। तो हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले हमें डिग्री और ऑर्डर का पता होना चाहिए क्या होगा। तो अगर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना है। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, फोर है। फोर टाइम्स हाईएस्ट मैक्सिमम बार डेरिवेटिव हुआ, तो वो उसका ऑर्डर हो गया। लेकिन हमें तो डिग्री पूछी है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, यानी इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर तो वन ही है, तो इसकी पावर वन है, तो वही इसकी हमारे पास डिग्री हो जाएगी, यानी इसकी डिग्री हो जाएगी वन। तो इस क्वेश्चन में हमसे डिग्री पूछी थी, तो कितना आ जाएगा इसका, वन आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर एट्थ दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और क्या दी गई है, हमें एक लिमिट दी गई है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। और यहाँ पे है साइन एक्स डिग्री बाय, यहाँ पे है टेन थ्री एक्स डिग्री। और इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है वन बाय फोर, बी ऑप्शन दिया गया है वन बाय थ्री, सी ऑप्शन दिया गया है वन बाय टू, और डी ऑप्शन दिया गया है कितना, वन। तो हमें इस लिमिट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इस तरह के लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x बाय x, ये लिमिट वन के इक्वल होती है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x बाय x इसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। यही चीज़ इसमें करेंगे, लेकिन यहाँ डिग्री में दिया गया, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है किसी एंगल को हमें, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं साइन x डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पाई बाय 180 से ही इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि इस चीज़ को अगर हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ भी हमारे पास ये रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा थ्री, और एक्स यहाँ एक्स डिग्री है, तो एक्स इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय 180 में ये कन्वर्ट हो गया रेडियंस में। अब इसके बाद इसको हम इस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसके लिए हम करते हैं, क्या करेंगे कि 3x इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी से डिवाइड कर लेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसी से डिवाइड कर दिया, है ये हो गई 1 के इक्वल। और इसके अलावा ये वाली लिमिट जो है ये किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, ये बचा हमारे पास 1/3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।